ये दोस्तों आप देख रहे हैं अनुज जी चैनल, और आज हम आपको सिखाएंगे कि किसी डेड टीवी में अगर उसकी प्लेट ख़राब हो जाती है तो उसके अंदर न्यू प्लेट कैसे लगाते हैं। जैसे कि इस टीवी की प्लेट ये ख़राब हो चुकी है, ये ख़राब हो चुकी है ये प्लेट, और इसकी जगह मार्केट में अब दूसरी नई प्लेटें मिलती हैं। जैसे कि ये है, या आप लाइए और ये प्लेट आप किसी भी टीवी में, मोटे गन की टीवी में, पतले गन की टीवी में, छोटे टीवी में, बड़े टीवी में, किसी में भी आप लगा सकते हैं। और आइए चलिए दिखाते हैं हम आपको कैसे ये प्लेट लगती है। इसके साथ ये IR का पैनल आता है साथ में, ये सभी कनेक्शन के लिए सभी तारे आती हैं, ये तारे हैं ये, और ये इसके साथ रिमोट आता है। सबसे पहले इसके हॉरिजॉन्टल के कनेक्शन करते हैं। इसमें एक ये रेड वायर होती है और एक ये ब्लू वायर होती है जो कि हॉरिजॉन्टल के लिए होती है। ये कनेक्शन यहाँ पे आते हैं, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ ये रेड वायर यहाँ लगेगी ये पीछे योक पे, और ये ब्लू वाली ये इस साइड पे लगेगी, और ये जो है ये पीली वाली ये वर्टिकल वायर होती है, इसको यहाँ पे लगाया जाता है, और ये हरी वाली भी ये वर्टिकल होती है, इसको इस साइड पे लगा जाता लगाती इस पॉइंट पे। तो ये हो गए हमारे हॉरिजॉन्टल के कनेक्शन। ये देखिए ये वर्टिकल है ये दोनों, और ये दोनों हॉरिजॉन्टल के कनेक्शन हैं। अब प्लेट को हम बाहर निकालते हैं पैकिंग से, अनबॉक्सिंग करनी। हाँ देखिए, ये है देखिए इसका बेस है, मगर ये बेस इसके अंदर नहीं लग पाएगा क्योंकि ये 8 पिन में है और ये 10 पिन में बेस है। तो हमें क्या करना होगा, इस बेस को चेंज करना होगा जब जाके ये इसके अंदर लगेगा। अगर ये डायरेक्ट आप किसी बड़े टीवी में या 10 पिन के टीवी में अगर लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट लग सकता है, मगर इसमें लगाने के लिए आपको ये बेस चेंज करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको चेंज करके फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ऐसे हमने ये बेस निकाल दिया है, और ये दूसरा छोटा बेस 8 पिन का बेस लगा दिया, और इसको अब हम इस ट्यूब में कनेक्ट करेंगे। देखते जाइए आप, ये देखिए अब इसके अंदर ये फोकस की पिन जोड़ेंगे, ये फोकस का होता है, इसको लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी फ़ोटो धुंधली आएगी, साफ नहीं चलेगी। तो ये देखिए कैसे ये यहाँ पे कनेक्शन आता है इसका, और इसको ऐसे लगाइए, सोल्डिंग कीजिए। और इसको फिर ऐसे लॉक कर दीजिए, और ये अब हम इसके अंदर लगाएंगे। ये बिल्कुल फिट बैठेगा, ये देखिए ये बिल्कुल फिट बैठेगा ऐसे। इसको बहुत ही प्यार से आराम से अंदर दबाना चाहिए इसको, ऐसे हिलाते हुए, नहीं तो पिक्चर ट्यूब वगैरह टूटने का डर होता है। इसके बाद दूसरा काम है ये अर्थ करना, पिक्चर ट्यूब को अर्थिंग पे लगाना ज़रूरी है। ये यहाँ पे इस पॉइंट पे लगेगा, कहीं पे भी लगा सकते हैं आप, ये पूरा पॉइंट अर्थ का ही है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कहीं पे भी। अब उसके बाद ये जो हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के कनेक्शन किए थे, अब ये प्लेट में इस जगह पर लगते हैं। ये देखिए ये कनेक्शन है इसके यहाँ पर, और इसको अब हम यहाँ पर इनपुट कर देंगे, ये देखिए, और इसको ये यहाँ पे लगा देंगे। ये एडजस्टिंग के लिए यहाँ पे 2-3 पिनें भी होती हैं, हमारी पिक्चर अगर छोटी है बड़ी है तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं ये इस जगह से, यहाँ से ये एक पिन ये होती है, एक पिन इधर होती है, एक पिन ये होती है, हॉरिजॉन्टल चेंज होता है इससे। और ये अब लगाएंगे हम ESD ऊपर से, कैप बहुत ही सावधानी से लगाना चाहिए, ये लग गया है ये ऐसे। ये अभी हमारे यहाँ तक के कनेक्शन पूरे हो चुके हैं, और अब हम इसको मेन लीड से जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे। ये जिक आती है, ये सीधा आप यहाँ पे लगा दीजिए, और इसके बाद ये मेन लीड होती है, मेन लीड से कनेक्ट कर दीजिए इसको आप सोल्डिंग करके। ये इसको सोल्ड करना पड़ेगा अच्छी तरह से, ये अभी हमने आपस में ज्वाइंट करा है, मगर अभी इसको सोल्डिंग करना पड़ेगा, पक्के टाँके करने पड़ेंगे। देखिए ऐसे ही पक्के टाँके हो जाएंगे,
ये देखिए ऐसे ये पूरे पूरे पक्के टाँके हो गए। फालतू की वायर को हम कट कर देंगे यहाँ से कटर की मदद से। और इस पर टेप करेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है टेप करना, अगर टेप नहीं करेंगे तो हमें शॉक लग सकता है इससे। और किसी अच्छी ब्रांड की टेप से इसको टेपिंग करवा दे। देखिए इसको अच्छी तरीके से टेप कर देना है आपको। ये देखिए ये टेप हो चुका है, ऐसे दोनों तारे अलग अलग टेप करनी है और फिर एक साथ टेपिंग कर देना ताकि तार अलग अलग ना हो। अब इसके बाद देखेंगे हम स्पीकर के कनेक्शन कहाँ पे करेंगे और कैसे करेंगे। ये देखिए स्पीकर के लिए दो वायर आते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट के लिए। ये देखिए यहाँ पे लगाते हैं इसको, ये और एक ये यहाँ पे लगाते हैं ऐसे। इसी प्रकार दूसरे स्पीकर पे भी लगाएंगे हम। ये जो एक वायर और है इसको भी हम इसी प्रकार दूसरे स्पीकर पे लगाते हैं। ये देखिए स्पीकर की ये दोनों वायर लग चुकी हैं और इनको प्लेट में यहाँ पे इनपुट किया जाता है। ठीक ये यहाँ पे देखेंगे आप अच्छी तरीके से, ये दोनों वायर यहाँ पे आती हैं, एक और ये इसके यहाँ पे आएगी। ये देखिए अभी हमारे ये जो कनेक्शन है ये स्पीकर के कनेक्शन हो चुके हैं, ये हमारे हॉरिजेंटल और वर्टिकल के कनेक्शन हो चुके हैं। ESD कैप लग चुकी है, ये CRT बेस लग चुका है। और अब इसके बाद हमारे कनेक्शन रहते हैं ये सेटिंग करने के लिए। कनेक्शन हुए आते हैं, हमें बॉडी के हिसाब से इसको कनेक्ट करना होता है। इसी में हमारा IR सेक्शन होता है और ये कीपैड होता है इसके अंदर। ये दोनों के अलग अलग कनेक्शन होते हैं, ये यहाँ पे लगते हैं। इसको अभी हम एडजस्ट करेंगे और फिर एक वायर और होती है। ये देखिए ये 3RC वायर होती है, ये यहाँ पे ऑडियो वीडियो के लिए लगती है। ये ऑडियो और वीडियो के लिए, इसमें से एक ऑडियो होती है और एक वीडियो होती है। इसको अभी मैं कनेक्शन करके फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे TV चलता है और क्या रिस्पॉन्स है TV का। IR के कनेक्शन यहाँ पे अंदर लगा दिए हैं, वो तो कनेक्शन हुए आते हैं। अब लगाते हैं हम ऑडियो वीडियो के कनेक्शन इसके अंदर। अच्छा यही रहेगा कि जो इसकी पुरानी बॉडी के हिसाब से ही कनेक्शन हो जाए। तो हम इसकी पुरानी प्लेट से ये सॉकेट बाहर निकाल लिया है हमने और इसी सॉकेट में हम कर देंगे ताकि ये डायरेक्ट उसी बॉडी में यूं कसा जाए। तो आइए करते हैं कनेक्शन। तो ये होता है इसका ग्राउंड, तो ये ग्राउंड की ये दो पिनें होती हैं आगे की, तो हम इस पर इसको अटैच कर देंगे। ब्लैक वाली वायर जो होती है ग्राउंड के लिए होती है और इसको हम अटैच कर देंगे यहाँ पर। और ये जो ब्राउन कलर की वायर है, ब्राउन ये होता है साउंड के लिए, तो ये साउंड की पीछे की ये दो पिने होते हैं, ये इन दोनों को हम आपस में ज्वाइंट कर देंगे और फिर इसी के ऊपर ये लगा देंगे ताकि इन दोनों पॉइंट में साउंड आ जाएगा। ये देखिए इसके ऊपर हम ये कनेक्शन कर रहे हैं, ये कनेक्शन हो गया यहाँ पे, ये हो गया ये। अब इसके बाद करेंगे हम ये वीडियो का कनेक्शन। वीडियो के लिए भी ये दो पिनें दे रखी हैं मगर हमने इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया और ये दोनों पिन हम वीडियो बना देंगे, इस पर कनेक्शन देते हैं। ये देखिए इसको कनेक्शन देते हैं और ये एक बार लास्ट फाइनल चेकिंग कर लेंगे कि हमारे सभी कनेक्शन ओके हैं या नहीं है। ये देखिए ऑडियो वीडियो के कनेक्शन अभी हुए हैं, ये हॉरिजॉन्टल के कनेक्शन हो चुके हैं, वर्टिकल के हो चुके हैं। ये ग्राउंड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो इससे आई सी उड़ सकती है। ये ESD कैप लगा दी है यहाँ पे, ये देखिए ये ESD कैप लगा दी है और ये साउंड के स्पीकर के तार लगा दिए हैं, ये मेन पावर सप्लाई है। और आइए अब चला के देखते हैं TV क्या रिस्पॉन्स है इसका। अब इसको प्लग इन करेंगे और देखिए क्या रिस्पॉन्स आ रही है। ये देखिए आगे रेड लाइट जल चुकी है इस पर TV के।
और देखते रहिए। ये आ गया ब्लू स्क्रीन और ऑडियो वीडियो ऑटो लिख के आ चुका है आपके सामने। अब हम इसके अंदर कनेक्शन लगाएंगे ऑडियो वीडियो के। ये देखिए, ये हमने ऑडियो वीडियो चालू कर लिया है और ये पीछे हम यहाँ पे इसके ऑडियो वीडियो के कनेक्शन करेंगे। और इससे पहले अभी हम आपको बता दें कि कुछ रिमोट द्वारा इसके अंदर सेटिंग की जाती है, जैसे कि अभी आपने पिक्चर में देखा, अभी पिक्चर में आप देख रहे होंगे जिस तरह की पूरा स्क्रीन नहीं आ रहा आपका, ये ऊपर से इतना कटा हुआ है, नीचे से इतना कटा हुआ है। ये सारी सेटिंग अभी इस रिमोट से करेंगे हम, सर्विस मोड के रिमोट से। अभी हम वीडियो लगाते हैं इसके लिए। ये देखिए आप, स्क्रीन पे वीडियो आ चुका है और ये साउंड भी आ चुका है। साउंड आ चुका है ये, मगर साउंड अभी हमने म्यूट कर दिया है ताकि हमारी आवाज़ आपको सही से सुन सके। और ये आप देख सकते हैं कि अभी ये सब कुछ ओके है। अभी इसकी कुछ इंटरनल सेटिंग होती है, उसे हम करेंगे सर्विस मोड के रिमोट से। इसके साथ जो रिमोट आता है, इसमें भी आप कर सकते हैं सेटिंग। ये यहाँ पे 57LO लिखा होता है, ये ओ के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको हम किसी पेचकस वगैरह से दबा कर इसका सर्विस मोड खोल सकते हैं। और बाकी आइए हम अपने सर्विस मोड से इसको खोल के दिखाते हैं। ये देखिए कैसे खुलता है, आगे स्क्रीन पे आप देखते रहिए। ये देखिए सर्विस मोड खोला, ये हमने फैक्ट्री लिख के आया इस पर, और फैक्ट्री लिख के आया। इसके बाद एक बार और पुश करेंगे ये कलर सेटिंग के लिए, एक बार और पुश करेंगे जिससे हमारा पिक्चर की हाइट वगैरह सेट होगी। तो अभी हम ये नीचे वर्टिकल साइज, वर्टिकल लिनियरिटी पे लेके आएंगे। ये ऊपर और नीचे की कटिंग को पहले बराबर करेंगे हम। ये देखिए, ये देखिए, ये ऊपर नीचे हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए, ये अभी ऊपर का और नीचे की कटिंग जो है ब्लैक कलर की, ये बराबर हो चुकी है। अब हम आएंगे इसके ऊपर वाले पॉइंट पर, वर्टिकल साइज जो लिखा हो, वर्टिकल साइज इसको हम पॉइंट बढ़ाएंगे इसके। और ये देखिए फ़ोटो आपकी पूरी होती जा रही है, ये पूरी हो गई। और अब हम स्क्रीन थोड़ा सा डाउन करेंगे तो इसके कारण ग्रेटनेस दिखाई दे रही है। ये देखिए ये पूरी की पूरी स्क्रीन आ चुकी है आपके सामने, और ये कलर भी बढ़िया आ रहे हैं। और अभी थोड़ी और इंटरनल सेटिंग है कलर के लिए, वो इंटरनल सेटिंग करेंगे। ये एक बार और इसको दबाएंगे और ये नीचे लाएंगे इसके ऊपर, ये मेनू से बाहर आ जाएंगे और मेनू में जाकर इसका कलर बिल्कुल जीरो करना है आपको। जीरो करने के बाद देखिए इसके अंदर ग्रीन कलर की मात्रा ज़्यादा दिख रही है, तो हम एक बार फिर से फैक्ट्री सेटिंग खोलेंगे इसके अंदर और ग्रीन कलर को कम करेंगे। ये देखिए 110 है, इसको कम करते आइए, जहाँ पे भी आपको यूँ दिखे कि ग्रीन कलर कम हो गया वहीं इसको छोड़ देंगे। देखिए अभी ग्रीन कलर दिख रहा है इसके अंदर। ये देखिए हमारी पिक्चर अब ब्लैक एंड वाइट पूरी दिख रही है, ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। और हम फिर से इसको मेनू में बाहर आएंगे वापस फैक्ट्री मोड से, ये आगे बाहर, और कलर खोलेंगे हम। देखें कलर अब कैसे नेचुरल कलर आएंगे जो भी हम सेट कर रहे हैं। ये देखिए ये कलर की मात्रा बढ़ती जा रही है। ये देखिए पिक्चर टू में अब कलर जेन्युइन कलर आ चुके हैं जो भी है। तो ये है हमारा, किसी भी पुराने टीवी में अगर उसकी पिक्चर ट्यूब सही है तो सभी को बताना चाहेंगे कि आजकल सभी लोग अपने घरों में एलईडी टीवी लाते जा रहे हैं, और जो पुराने टीवी हैं उनकी पिक्चर ट्यूब अगर सही है और प्लेट ख़राब हो चुकी है तो आप मार्केट से ये परचेज़ कर सकते हैं। ये न्यू प्लेट आती है और आप इसको किसी भी टीवी में लगा सकते हैं, चाहे वो छोटा टीवी हो चाहे बड़ा टीवी हो, आप किसी भी टीवी में लगा सकते हैं और ये गारंटी के साथ आती है प्लेट। इसमें कोई डरने वाली भी बात नहीं है, आपको जैसे जैसे कनेक्शन बताए गए हैं आप वैसे कर सकते हैं। और ये हमारे कस्टमर हैं, इनका ये टीवी है और जिसमें हम ये प्लेट लगा रहे हैं, और मैं भोपाल हूँ और ये मेरी दुकान है, और मैं यहाँ पर इनको प्लेट लगा के ये दे रहा हूँ। आप भी, मैं चाहता हूँ कि अपने पुराने टीवी को ना बेचें और उसमें एक नई प्लेट ला कर लगाएँ, जिससे कि आपके पैसे भी बचेंगे और अगर आप चाहें तो इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। आप पुराने टीवी कबाड़ियों से ख़रीद कर या किसी कस्टमरों से घरों से ख़रीद कर आप उसके अंदर नई प्लेट लगाकर उन्हें अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। ये है बिजनेस एक आइडिया आपके लिए। और हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।